Alors. मंजीत, तेरे पापी शरीर का विनाश करने वाला, तेरे काले कर्मों का, तेरी काली दुनिया का सर्वनाश करने वाला शंकर, अब तू चंद सासों का मेहमान है मंजीत खुराना। मासूमों की जिंदगियों पर मौत के हस्ताक्षर करने वाले, तेरे माथे पर मौत का तिलक मैं लगाऊंगा। कल बोर्ड रेस में जीतने वाले को जब तू इनाम देगा, तब मैं तुझे मौत की सौगात दूंगा। सर, मैंने आपके प्रोटेक्शन का पूरा बंदोबस्त कर दिया है, फिर भी आप उस बोट रेस में ना जाएं तो अच्छा होगा। ना मैं दुश्मन से डरता हूं ना मौत से, दुश्मन की गर्दन पर पांव रखकर जीता हूं मैं। मैं बोट रेस में जाऊंगा और 100% जाऊंगा। मगर सर, जेल से भागा हुआ मुजरिम बहुत खतरनाक है। खतरनाक है? मतलब मैं बुजदिल बन जाओ, कायर बन जाओ, हाथ में चुड़िया पहनकर दरवाजा बंद करके घर में छुप जाऊ? नॉनसेंस। अरे मेरी पोजीशन क्या होगी? मालिक, पोजीशन को मारो गोली, पहले बचने का सोचो। वो छुपने का आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ नहीं छुपना, क्योंकि मारने वाला अगर मारने की सोचे ना तो सचमुच मार देता है। वो आपको मारने आएगा तो मुझे भी मार देगा ना। मैंने क्या किया? मैंने तो आइडिया दिया। सर, मेरी मानिए तो इस साल आप बोट रेस में मत जाइए। बोट रेस में जाना हमारी खानदानी परंपरा है, बरसों से हमारे बाप दादा जीतने वालों को ट्रॉफी देते आए हैं। क्या एक कैदी की वजह से मैं अपनी खानदानी परंपरा तोड़ दूं क्या? लेकिन सर, वो एकदम खुली जगह है जहां बोट रेस है, दुश्मन कहीं से भी हमला कर सकता है। सिक्योरिटी गार्ड्स कहां है? सीआईडी डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? सर, मैं आपकी जिंदगी पर रिस्क लेना नहीं चाहता। अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो मैं आपकी हिफाजत के लिए एक स्पेशल ऑफिसर का इंतजाम करूंगा, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जो मौत के तूफान से जिंदगी को बचाने का साहस रखती है, जो खुद एक आंधी है, एक तूफान है, एक जलजला है।